हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4 लाख की अवैध शराब के साथ 2 आर्मी के जवानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाली जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला के निर्देशानुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुमेरपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर के जाखा नगर बाईपास पर नाकाबंदी कर कार को रोका और तलाशी ली। उसमें रखी 4 लाख की कीमत की अवैध शराब जब्त की गई है। कार सवार दोनों आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की जाने पर अवैध शराब पंजाब से गुजरात ले जाना बताया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस प्रकरण की जांच में जुटी है। पुलिस वृत्ताधिकारी रजित विश्नोई ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में अवैध शराब लाई जा रही है। थाना अधिकारी रामेश्वर भाटी मय दल ने जाखा नगर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर नाकाबंदी की। इस दौरान सांडे राव की ओर से आ रही कार नंबर GJ07DD3050 को रुकवाकर कार चालक गुजरात के खेड़ा जिले के कठलाल थाना क्षेत्र के कांसली वाला नरेश भाई 34 पुत्र खेता भाई जाति राजपूत व साथ में पोरबंदर जिले के उद्योग नगर पुलिस थाना क्षेत्र के कोली खाड़ा निवासी गोरानिया पोपट उम्र 29 पुत्र मेरू भाई जाति महेर को पकड़कर पूछताछ की गई। उनके कब्जे से कार में रखी अवैध अंग्रेजी शराब की कुल 192 बोतल 48 बियर कैन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 4 लाख रुपए है। उक्त दोनों मुलजिम आर्मी में कार्यरत है, वर्तमान में CICG यूनिट नई दिल्ली में कार्यरत है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए रामेश्वर भाटी थाना अधिकारी सुमेरपुर इन्होंने ये कहा। श्रीमान SP साहब पाली डॉक्टर गगनदीप सिंगला साहब के निर्देशानुसार सुमेरपुर थाना टीम द्वारा कल रात्रि को नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान संगराव की तरफ से एक स्विफ्ट कार GJ07 3050 आई, जिसको रुकवाया, जिसमें 2 लोग बैठे थे। उक्त कार से पुलिस द्वारा 192 बोतल अंग्रेजी शराब व 48 कैन बियर के जब्त किए गए। कार में नरेश व पोपटलाल 2 व्यक्ति थे। उक्त शराब लगभग 4 लाख रुपए की है। दोनों शख्स आर्मी में CICG यूनिट नई दिल्ली में कार्यरत है, जो ये शराब दिल्ली से गुजरात ले जा रहे थे। उक्त दोनों को न्यायालय में पेश किया गया है, अनुसंधान जारी है। जागरूक टीवी के लिए पाली से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।